तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका एक और मेरे वीडियो में। आज मैं मदुरई में फिर से आ गया हूँ, क्योंकि मदुरई रामेश्वरम से घूम के फिर मुझे और भी जगह एक्सप्लोर करना था, तो उधर चला गया था। फिर आज मैं मदुरई में फिर से आया हूँ। यहाँ पे आज मीनाक्षी टेम्पल को मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मीनाक्षी टेम्पल को विजिट करते हैं। मदुरई से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है मंदिर, वॉकिंग डिस्टेंस पर है मुझे ऐसा लगता है, गूगल बता रहा है। तो मैं 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा, तो उसके हिसाब से मैं निकल रहा हूँ। और बीच बीच में जो भी आपको सीन्स दिखेंगे मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है दिन का। यहाँ पे नाश्ते हो रहे हैं, नाश्ते के ठेले लगे हुए हैं, तो नाश्ता कर सकते हैं। अभी शॉप पे आया हूँ, 70 रुपये कॉफ़ी पड़ रही है कॉफ़ी पीने के लिए, तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं भैया। वाराणसी काशी, हाँ वाराणसी। ये कॉफ़ी आ गई है, ठीक है कॉफ़ी पी के फिर बात करते हैं। कॉफ़ी फिनिश्ड। यहाँ पे मैं नोटिस किया कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप निकली है, तो इसलिए छाता निकालना पड़ा है। छाता निकाल के ये ऐसा मार्केट। हाउ मच? 20 वन पीस। अभी नारियल पी रहा हूँ, यहाँ पे 20 का मिल रहा है। छोटे छोटे नारियल है थोड़े, लेकिन ठीक है। जो नारियल पिया ना उसमें से मलाई भी निकल रहा है, तो ये छोटा नारियल लेकिन पानी ज़्यादा था, 20 रुपये का है। ₹30। ये लाल वाला केला ना 10 रुपये का एक पीस मिल रहा है। धूप काफी तेज हो गई है। तो मीनाक्षी टेम्पल में पहुंचने वाला हूँ, सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, और मुश्किल से मुझे यहाँ पे 10 मिनट लगा होगा। थोड़ा सा नाश्ते में मैं टाइम लग गया इधर से उधर, बट मैं 10 मिनट मोस्टली मान के चलता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस स्टेशन से। मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है यहाँ पे कि जहाँ भी आप जाएंगे ना दुकान पे, तो वहाँ पे मोस्टली आपको कैश ही मांगेंगे, ऑनलाइन पेमेंट का ज़्यादा व्यवस्था नहीं रखते हैं, पता नहीं क्यों। टेम्पल सामने है, और थोड़ा सा इसके पहले ये है द मथुरा हिंदू परमानेंट फंड लिमिटेड, इसके सामने है और यहाँ पर मंदिर है। काफी ऊंचाई पे है, हाइट पे है। अब ऊपर में ये वेस्ट वाला है, वेस्ट टावर देखिए, जूता उतार रख सकते हैं, जूता रखने के लिए जगह है। चारों गोपुर में पहले दर्शन करेंगे, और अंदर से शायद मोबाइल कैमरा वीडियो अलाउड नहीं है, तो मोबाइल भी यहीं पे जमा कर सकते हैं आप। एक और गोपुर में आगे पास में ही ये वाला गोपुर भी काफी लंबा है, ये बहुत शानदार है ये भी। ये देखिए ये वाला गोपुर नॉर्थ टावर है, और देखिए इसकी बनावट क्या बारीकी से बनाया गया है, शानदार। मेरा सबसे बड़ा फेवरेट चीज़ एक यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये भक्त अन्य देवी मंदिरों की तरह यहाँ बकरियों और मुर्गियों की बलि नहीं देते हैं। काफ़ी सही है, ये होना चाहिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है मंदिर पे, क्योंकि मदुरई कई मंदिरों से भरा शहर है, इस मंदिर को शहर कहा जाता है, शहर ट्रस्ट कहा जाता है। यहाँ अन्य मंदिरों की तरह भगवान को बाल चढ़ाने की प्रथा नहीं है, कारण यह है कि इस मंदिर में आकर स्वयं भगवान की आराधना करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे और हमें माता पिता की कृपा प्राप्त होगी। 4 महीने पुरतासी आपसी मरगाजी आदि होते हैं, जहां उत्सव विशेष रूप से देवी मीनाक्षी के लिए आयोजित किया जाता है। ये भी लिखने देखने को मिला, किसी भी दलालों को पैसा ना दे, दलालों से सावधान, दर्शन के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दलाल भी हैं, इसका मतलब। मंदिर के गोपुरों के ठीक सामने एक और ये मंदिर टाइप का है, इसमें गजब की कारीगरी की गई है, और देखिए इसका भव्य नज़ारा, हर पिलर पे मूर्तियाँ हैं बड़े बड़े। मंदिर के हर गोपुरम पे भारी तादाद में बढ़िया मतलब व्यवस्था किया गया है पुलिस बल द्वारा, और यहाँ के लोकल पुलिस पूरा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है।
यहाँ पे ये लिखा है, माना जाता है कि मदुरै मीनाक्षी मंदिर की स्थापना इंद्र देव के राजा ने की थी। वह अपने कुकर्मों की कुकर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर थे। मदुरै आते समय उन्होंने स्वयं लिंगम के प्रति आकर्षित महसूस किया। इस चमत्कारी घटना के कारण उन्होंने इस स्थापना पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। मंदिर में लगभग 33,000 मूर्तियां हैं। इसे दुनिया के नए 7 अजूबों के शीर्ष 10-30 सूची में शामिल किया गया था। मंदिर शहर में एक बहुत ही प्रमुख स्थल चिन्ह है। अप्रैल और मई में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय मीनाक्षी थिरुकल्याणम उत्सव 10,00,000 आगंतुकों को आकर्षित करता है। जब आप मंदिर को गोपुरम को चक्कर लगाएंगे ना, तो हर जगह ऐसे इन्फॉर्मेशन ये लिखा हुआ है, हर जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा इससे इतिहास से रिलेटेड। साउथ टावर मतलब दक्षिण गोपुरम पे आ गया हूँ और दक्षिण गोपुरम का कुछ ऐसा नज़ारा है। ब्लू कलर में मूर्तियों को पेंट किया गया, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं एक चक्कर लगा के फिर से उसी गोपुरम पे आ गया हूँ जहाँ पश्चिम यहाँ पे। अब चलते हैं, बैग जमा करते हैं, मोबाइल जमा करते हैं और फिर अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए, स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से निकलूँगा तो आपको बताऊँगा कितना टाइम लगा दर्शन करने में। वीडियो बने रहिए। तो फाइनली मैं 2.5 से 3 घंटे के लंबे अंतराल के बाद थोड़ा दर्शन करके, माता मीनाक्षी और शिव जी का दर्शन करके मैं बाहर आ गया हूँ और जो अपना अनुभव है मैं आपसे साझा करता हूँ। मंदिर में आपको घुसने के लिए क्या क्या नियम है वो सबसे पहले आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप अपना कंपलसरी है फ़ोन जमा करिए यहाँ पे, और अपना जो बैग लगे लगेज बैग वो जमा करिए। पानी बॉटल ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, और अपना शूज भी बाहर रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा आपको। तीनों चीज़ का इंतजाम है मंदिर के बाहर ही, आप वहाँ रख दीजिए। उसके बाद से आपको हाफ पैंट, और लेडीज अगर हैं तो आपको हाफ मतलब घुटने से ऊपर का कपड़ा नहीं चलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। मैं भी हाफ पैंट में जा रहा था लेकिन फिर दोबारा मैं अपना फुल पैंट पहन के गया। उसके बाद से एंट्री होने के बाद लाइन लंबी लगेगी आपकी, लंबी लाइन। मेरा तो एक्चुअली हुआ कि 9:30 बजे से मैं अंदर गया, तो 9:30 बजे के बाद 10 से 11 के बीच में माता जी का भोग लगता है, तो भोग का समय के चलते थोड़ा लंबा, आधे घंटे से ऊपर टाइम और ज़्यादा बढ़ गया मेरा, इसलिए लंबा समय लग गया। लेकिन मंदिर के अंदर जाने के बाद जो कलाकृतियाँ देखने को मिली वो मुझे किसी मंदिर में आज तक नहीं देखा मैं। अब ये सब मतलब गजब का कलाकृति है। मंदिर में आपको जाने से आपको दो जगह दर्शन करना होता है, माता मीनाक्षी जी का और शिव जी का लिंग है। इन दोनों का जो नाम है वो मीनाक्षी सनादि है, और दूसरा शिव जी का जो शिवलिंग है उसका सुंदरेश्वर सनादि है। दोनों माता जी और शिव जी के गर्भगृह में आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, दिए की रोशनी है, तो ये अच्छी बात है, मुझे ये अच्छा लगा। रामेश्वरम में भी सेम यही है। तो सबसे पहले आपको मीनाक्षी सनादि में आपको प्रवेश करने को मिलेगा, और वहाँ से दर्शन करने के बाद आपको शिव जी का जो सनादि है उसमें जाके आपको दर्शन करना होगा, सुंदरेश्वर सनादि बोलते हैं जिसको। मंदिर के अंदर 1000 मंडपम बताया जाता है, 1000 पिलर मंडपम बताया जाता है, तो इसमें 1000 पिलर हैं, और पिलर पे जो कलाकृति है ना वो मतलब लाजवाब है, ऐसा कलाकृति कहीं मैंने नहीं देखा। एक कलाकृति मुझे पसंद आई, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो हाथी है और हाथी का जो बच्चा है वो दोनों सूंड के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो वो जो कलाकृति है सूंड को जो ऐसे करके मिला के, वो सूंड पत्थर से ही बना हुआ है, तो अवेसम था वो दृश्य। मंदिर के अंदर हर जगह आपको पानी का व्यवस्था है, 3 साल के बच्चों के लिए गाय का दूध है, गर्म दूध यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें बोर्ड भी लगा हुआ है कि ओनली हिंदूज आर अलाउड, तो केवल हिंदू ही इसमें अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बाकी हिंदू का कोई आपको प्रूफ चेक करने को मुझे कहीं नहीं मिला। मंदिर के अंदर छोटा मोटा नाश्ता का व्यवस्था है, यहाँ पे 10-10 रुपये का पर आइटम का हिसाब है, तो मैंने उसमें से 10 रुपये का एक लिया मालपुआ और एक लड्डू, और 10 रुपये का खिचड़ी लिया, सूखी खिचड़ी। दर्शन करने के बाद ये खा सकते हैं आप, और अंदर फोटोग्राफर भी मैंने एक जगह देखा, तो आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। उसका रेट है 50, 80 और 100 विदाउट फ्रेम, विद फ्रेम उसमें 100-100 रुपये ऐड कर लीजिए, तो उसका यही रेट है। जब आप सुंदरेश्वर महादेव जी को दर्शन करने जाएंगे, लाइन में लगे रहेंगे, तो जरा सा पहले आपको मंदिर के ऊपर माता मीनाक्षी जी का
शादी का करते हुए कलाकृति दिखाई गई है, उसमें मूर्तियां है जो कि भगवान विष्णु जी, शंकर भगवान और माता मीनाक्षी जी का दर्शन शादी करा रहे हैं। उसमें जो मूर्तियां हैं वो एक से बढ़कर एक है, वो देखिएगा। मुझे मैं तो 10-15 मिनट उसी पे टाइम दिया, काफ़ी देर तक देखा और अवेशम है। बहुत ही अद्भुत कलाकृति है इस मंदिर के अंदर, जरूर दर्शन करें जय माता मीनाक्षी जी की। यहाँ तक आने के लिए आपको मदुरई का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आ सकते हैं। तो मीनाक्षी माता मंदिर के बारे में बस इतना ही। मुझे एक भाई जी मिल गए, तो उन्होंने बताया कि त्रिपुरा गुंद्रम एक टेम्पल है, यहाँ से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर ऐसा ही है, जो कि जैन टेम्पल है। वो आप गूगल पे करेंगे तो केव है उस पे, तो उसको मैं विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि 48 नंबर की बस जाएगी, तो 48 नंबर की बस पकड़ने जा रहा हूँ, जो कि मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ही बोल रहे थे जाएगी। और यहाँ के जो बस वाले भाई जी लोग हैं ना, 1 रुपये भी अधिक पैसा नहीं लेते हैं, इतना मस्त बिहेव करते हैं ना कि पूछो मत। तो यहाँ के बस सर्विस भी बहुत अच्छी है, ट्रेन सर्विस भी बहुत अच्छी है इधर। कितने का? आज मैं ऑरेंज वाला पीने आया हूँ पानी, इसका देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये तो अभी मैं ये पीला वाला नारियल पिया, सही बताऊँ तो मुझे इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा पानी गर्म भी था और टेस्ट भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हरे वाले का सही है, हरे वाला सस्ता भी है, ये 60 रुपये का पड़ा एक। मैं सामने स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, ये सामने मदुरई का रेलवे स्टेशन है और इधर बस स्टैंड है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ, बस का वेट करता हूँ 48 नंबर की। मदुरई का बस स्टैंड, मैं वो वाला बस स्टैंड जो दिखाया था उससे मैं वहाँ पूछा किसी से, तो यहाँ पे आने के लिए बोला है, तो मैं अब मदुरई का ये है यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से पता करता हूँ जाने के लिए। तो मुझे बस मिल गई है 48H नंबर की, अब देखते हैं कितना किराया लगता है बताता हूँ। कल तक जाने के लिए मुझे 8 रुपये का किराया लगा है, 8 रुपये का। और बस ये बस है, सरकारी बस। यहाँ के बस में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि कंडक्टर साहब सीटी बजाते हैं, एक सीटी मारेंगे तो बस रुकना है, दो सीटी मारें तो इसका मतलब कि देखो सीटी अभी बजी, यानी रुकना है, दो सीटी मतलब कि चलते रहना है, तो इसका बड़ा नियम से फॉलो होता है। 200 meters। यहाँ पे बस स्टैंड उतर गया त्रिपुरन कुंद्रम पे और शाम दिख रहा है, वहाँ पे चलते हैं। ये सामने मैं पहुँच गया हूँ, आसपास का नज़ारा कुछ है। यहाँ पे लाल चूड़ा दिख रहा है मुझे, पोहा जिसको बोलते हैं। ये ऐसा है कुछ नज़ारा मंदिर का, पास का, अंदर घुसने का। यहाँ पे कितना बड़ा रथ बना हुआ है, रथ है आप लोग, कितने मोटे मोटे रस्सी हैं इसमें। अभी जो आप लोग ये पीछे रथ देख रहे हैं ना, इसकी अब सवारी निकलेगी फ्राइडे को दिन, तो कोई पूजा होता है इनका, तो उसमें रथ ये सारे हैं, इतने मोटे मोटे रस्सी में खींच के, ये जो मोटे मोटे रस्से देख रहे हैं। इस मंदिर के अंदर घुसते ही दृश्य है ये पहला, आगे चलते हैं। इस मंदिर में भी ना काफी भीड़ दिख रही है मुझे, बहुत भीड़ है, मार्केट भी है बुक्स की। मंदिर का गेट देखिए कितना बड़ा है, ये है जनरल दर्शन, फ्री दर्शन। अब हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, चढ़ रहे हैं, ये यहाँ से ऊपर जाने का। भाई लोगों ये वाला कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ भी घुमाओ उधर लाइन है, कुछ ऐसा सीन है। मैं इस मंदिर में दर्शन किया हूँ कार्तिकेय जी का, जो गणेश भगवान जी के भाई है, और यहाँ पे उनकी मूर्ति है, तो उनको यहाँ भी पूजा जाता है, और उन्हीं के मंदिर में मैं विजिट करने आया हूँ।
ये देखिए भाई जी, पत्थर के टीले आए। ये पहाड़ वहाड़ नहीं है, ये मिट्टी वाला है, ये प्योर पत्थर है इतना बड़ा। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज का दिक्कत हो रहा है, किसी से कुछ पूछने में ना बहुत दिक्कत हो रही है थोड़ी। अभी मैं घूमते घूमते आ गया हूँ थोड़ा दूर, और गांव में यहाँ पे पूजा चल रहा है दबा के। भंडारा होता है वैसे यहाँ पे हो रहा है भंडारा। घूमते आया तो इधर मंदिर है और इधर प्रसाद वितरण हो रहा है, तो यहीं से मैंने प्रसाद लिया। ये प्रसाद देख सकते हैं आप, अभी मैं यहाँ का लोकल गोलगप्पे थोड़ा टेस्ट करता हूँ कैसा है। कितनी है? One. ये देखिए, व्हाट इज दिस? दिस पानी कराई। ओके, पानी कराई। मीठा है और हल्का खट्टा है, टेस्ट अजीब है, डिफरेंट। मतलब कभी टेस्ट ऐसा नहीं है हमने किया। बाहर का ऐसा कुछ नजर आ रहा है। रैंडम टेंपल के पास दबा के भंडारा चल रहा है। ये देखिए एक और भंडारा, अब चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या मिल रहा है। खिचड़ी मिल रहा है ये, यहाँ पे खिचड़ी मिल रहा है। काफी भीड़ लगी है खाने के लिए। ये मेरी प्लेट सज रही है, अभी टेस्ट करते हैं कैसा है ये। तो भाइयों प्लेट आ गई है मेरी, अब इसको टेस्ट करते हैं। लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है खाने की, सब खा रहे थे। और ये जस्ट तिरुवनगुंडरम टेम्पल है और अब आके चल रहा है, तो मैंने भी खा लिया। भंडारा खाने के बाद यहाँ पे पानी पी लिया मैंने, नारियल पानी पिया, तो नॉर्मल हो गया है पानी, नारियल पानी यहाँ पे। अभी देखिए मंदिर पे मैं, ये तिरुवनगुंडरम टेम्पल पे, और मंदिर पे काफी शोर हो गया है। तो भाइयों जी, थिरुपरान कुंड्रम दर्शन हो गया भगवान कार्तिक जी का, गणेश जी के भाई जी का, और आशीर्वाद ले लिया वहां से। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा फेस्टिवल चल रहा है आजकल दबा के, तो छोटे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सब लोग इस फेस्टिवल में इन्वॉल्व हैं। और भंडारा भी चल रहा था, भंडारा भी आपने देखा, मैं इसका खूब इंजॉय किया। और मैं इस मदुरई की वीडियो में बस इतना ही मैं रखूँगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुंड्रम के लिए आपको यहीं पे बस उतारेगी, ये बस स्टैंड है, आसपास का नज़ारा है। और मैं यहाँ से बस रेलवे स्टेशन की तरफ मदुरई, मेरी बस आने वाली है। अभी मैं मदुरई रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ कन्याकुमारी से सनराइज। तो मेरी ट्रेन है यहाँ पे रात में 11 बजे, और सुबह मुझे 4:30 उतार देगी। तो 4:30 बजे से फिर वहाँ से पैदल चलते हुए मैं निकल जाऊँगा कन्याकुमारी के बीच पे, जहाँ पे तीनों महासागरों का संगम होता है। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं मदुरई से कन्याकुमारी।